वेलकम एवरी वन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। अभी का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर पार्ट टू। पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उस पहले पार्ट में बॉम कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था। द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आप इसके फर्स्ट पार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है वर्किंग और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कैलकुलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग, सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेशन। इस वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो रिमेनिंग पोर्शन जो पिछली वीडियो में कवर अप नहीं हुए हैं, उनको मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने अपनी पिछली वीडियो में डायग्राम पर एंडिंग की थी। इस डायग्राम की हेल्प से आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम कैलोरीमीटर को समझा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास टोटल चार कंटेनर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट कंटेनर है बॉम, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। सेकेंड कंटेनर है कैलोरीमीटर, जो कि कॉपर का बना हुआ है। जो बॉम है उसके अंदर एक ऑक्सीजन वॉल्व प्रेजेंट है और दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्टेड हैं। इस इलेक्ट्रो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड के साथ एक क्रूसिबल अटैच होती है। ये क्रूसिबल, जिसके अंदर एक पीस ऑफ फ्यूल रखा हुआ होता है, जिस फ्यूल का वेट हमें पता है, इस फ्यूल को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स के साथ में एक मैग्नीशियम वायर लिया गया है, जिस मैग्नीशियम वायर को अटैच किया है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इस फ्यूल के साथ में, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। जो इलेक्ट्रोड है इनका कनेक्शन है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके हम इस बॉम को एयर टाइट सीलिंग से क्लोज करते हैं और इसको हम प्लेस कर देते हैं कैलोरीमीटर के अंदर। जो हमारा कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर के अंदर पूरे पोर्शन में नो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट है और उस पानी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर है एक स्टरर, जो कि पानी को हिलाने का काम करेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर है बैकमेंस थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर वेरिएशन को बताएगा। इसको हीट ट्रांसफर से प्रिवेंट करने के लिए कंटेनर नंबर 3 में एयर जैकेट और कंटेनर नंबर 4 में वाटर जैकेट प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हमने समझा था पिछली वीडियो में। द लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो अगेन यू कैन रेफर दैट। अब हम चलते हैं अपने वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले मैं स्टेप वाइज आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम स्टेप वाइज इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हम लेते हैं फ्यूल को, इस फ्यूल को वे करते हैं और इस फ्यूल को इस क्रूसिबल के साथ में रख देते हैं। ये जो क्रूसिबल है ये हमारे इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्टेड है। इतना काम करने के बाद हम एक मैग्नीशियम वायर लेते हैं, जो फ्यूल को टच करते हुए इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद में हम इस लिड को, यानी ये जो हमारे ऊपर की कवरिंग है, इसको टाइटली बंद करते हैं। बट उससे पहले हम इस पूरे को ऑक्सीजन से फिल कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूल के कम्बशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने इसको पूरी तरीके से फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमने अपने इस बॉम्ब को खड़ा कर दिया स्टैंड्स के ऊपर। किसके अंदर? कैलोरीमीटर के अंदर हमने इसको खड़ा कर दिया। तो हमारे बॉम्ब की कंस्ट्रक्शन तो पूरी हो गई। अब कैलोरीमीटर के अंदर हमारा जो स्टरर लगा हुआ है, सबसे पहले हम अपने इस स्टरर को ऑन करते हैं। इस स्टरर को ऑन करते ही जो पानी है उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी ये लगातार हिलना शुरू कर देता है। तो जब पानी लगातार हिलता रहे, तब हम अपने इस बैकमेंस थर्मामीटर पर टेम्परेचर नोट करते हैं, यानी कि हमारा एक इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर आएगा। जैसे ही हमने स्टरर को ऑन किया, इस थर्मामीटर थोड़ी देर के बाद में इस थर्मामीटर पे हमने टेम्परेचर लिया, जिसको हमने कहा T1, यानी पहला इनिशियल टेम्परेचर हम लेकर चल रहे हैं T1 की फॉर्म में। ये कौन सा टेम्परेचर होगा? जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमें मिल जाएगा इस पानी के लगातार मूवमेंट के बाद। तो इस टेम्परेचर के साथ फिर हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अपने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं इस बैटरी के साथ। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे, तुरंत ही जो फ्यूल है उसका कंबशन स्टार्ट होगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो गया। इधर मैग्नीशियम वायर जुड़ा हुआ है और इधर हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट कंप्लीट होते ही इसके अंदर स्पार्क होगा और जो फ्यूल है उसका कंबशन हो जाएगा। जैसे ही फ्यूल का कंबशन होगा,
जो हीट है वो रिलीज होगी, और रिलीज होने वाली हीट इस बॉम्ब के थ्रू ट्रांसफर होगी कहाँ पर, इस कॉपर के कैलोरीमीटर में भरे हुए पानी के अंदर। यानी ये एरो से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे जैसे हीट का ट्रांसफर होगा वैसे ही इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये जो पानी कैलोरीमीटर के अंदर भरा हुआ है। अब इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हमारा जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में पहले टेम्परेचर था T1 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टेम्परेचर T2 की फॉर्म में। यानी अब हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर और दूसरा है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर आएगा उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम नोट डाउन कर लेंगे। इतना काम हमें करना है अपने इस कैलोरीमीटर की हेल्प से, यानी इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन में फ्यूल का कम्बशन होना है और उससे हीट ट्रांसफर होना है कहाँ पर, इस पानी के अंदर, जिस पानी के टेम्परेचर को हमें नोट करना है। ठीक है, तो हमने शुरुआत कहाँ से की, अपने फ्यूल के प्लेसिंग से, फिर फ्यूल का कम्बशन किया और उसके बाद में जो टेम्परेचर मैक्सिमम आया उस टेम्परेचर को हमने नोट किया। तो इन सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से वन बाय वन मेंशन करते हैं। आई होप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा हमारी वर्किंग का, सबसे पहले हमने प्लेस किया था फ्यूल को, तो फर्स्ट वन इज नोन मास ऑफ फ्यूल प्लेस्ड इन क्रूसिबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अब अपनी इस क्रूसिबल को अटैच करना किसके साथ में, इलेक्ट्रोड के साथ में। तो सेकंड पॉइंट इज क्रूसिबल इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोड। अब तीसरा पार्ट क्या था, इस फ्यूल को कनेक्ट करना इलेक्ट्रोड्स के साथ में, क्रूसिबल को तो हमने अटैच कर दिया। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम वायर कनेक्ट द फ्यूल विद इलेक्ट्रोड। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने अपने इस लिड के थ्रू फिल किया था बॉम्ब को किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो जो फोर्थ पॉइंट है उस फोर्थ पॉइंट में कंबशन से पहले का पार्ट हम करेंगे, बॉम्ब is filled with oxygen and make that airtight, airtight कर दिया ताकि ऑक्सीजन के अलावा और कोई गैस उसके अंदर फिल ना हो। उसके बाद हमने इसको कहाँ रख दिया, अपने सेकेंड नंबर के कंटेनर यानी कैलोरीमीटर के अंदर। तो सेकेंड पार्ट प्लेस इट इन कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर के अंदर रखने के बाद हमें क्या करना है, फ्यूल का कंबशन करना है। तो कंबशन के लिए हमने क्या किया था, कंबशन के लिए हमने अपने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था किसके साथ में, बैटरी के साथ में। तो वही पॉइंट हम लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रोड्स देन कनेक्टेड विद बैटरी और बैटरी के साथ कनेक्ट होते ही क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। जबकि अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, तो नंबर 6 पर मैं उसको मेंशन कर रही हूँ।
स्टरर को स्टार्ट करके हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बैटरी के साथ तो कनेक्ट करते ही क्या होगा, फ्यूल का कम्बशन हो जाएगा, बट अभी हमने इनिशियल टेम्परेचर नहीं लिया है। तो जब हमने अपने बॉम्ब को कैलोरीमीटर के अंदर प्लेस किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द स्टरर एंड नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर। और इस इनिशियल टेम्परेचर को हम किस फॉर्म में मेंशन करेंगे, T1 की फॉर्म में। तो अब ये जो पॉइंट है हमारा अगला, ये 6 की जगह कौन सा नंबर हो गया, दिस इज नंबर 7। 7 नंबर पर इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया किसके साथ में, बैटरी के साथ में। बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा, यानी कि कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। फ्यूल का कंबशन होने का मतलब क्या है कि जो हीट है वो लिबरेट होगी, और उस हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा, पानी के अंदर, जो पानी किसके अंदर भरा हुआ है, कैलोरीमीटर के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्यूल टू वाटर, यानी बॉम्ब से कैलोरीमीटर के अंदर ट्रांसफर हो गया हीट का, और उस ट्रांसफर के बाद हमें क्या करना है, नोट डाउन द फाइनल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। और इस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम कैसे लिखेंगे, T2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ये T1 और T2 हमारे पास आ गए। तो इतना ही पोर्शन था हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी हमने बैकमैन थर्मामीटर की हेल्प से अपने दोनों टेम्परेचर निकाल लिए। टेम्परेचर मेंशन करने के लिए हमने अपने पूरे प्रोसेस को किया। सबसे पहले हमने फ्यूल को प्लेस किया, फ्यूल को प्लेस करने के बाद में हमने इसको एयर टाइट किया ऑक्सीजन फिल करके, फिर हमने इसको कैलोरीमीटर के अंदर रखा, स्टरर को ऑन किया, इनिशियल टेम्परेचर T1 नोट किया, इनिशियल टेम्परेचर नोट करने के बाद हमने बैटरी से कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने फाइनल टेम्परेचर T2 नोट किया। तो ये 4 पॉइंट हमारे हैं, जिन 4 पॉइंट को हमने इन छोटे छोटे पार्टीशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहे कि स्टेप वाइज स्टेप क्या पोर्शन चल रहा है। तो आई होप इतना तो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमारी इसकी वर्किंग क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट कैलकुलेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड किए बिना हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो कैलकुलेशन है, वो पूरा कैलकुलेशन हमारे किस पर डिपेंड करता है, हमारे प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो उस प्रिंसिपल को भी एक बार फिर से मैं बता दूंगी, बट पहले हम कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है उनकी तरफ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज, मान लिया जो लिबरेटेड हीट है, जो मास ऑफ फ्यूल है वो है एक्स। तो लेट एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इन ग्राम, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस एपरेटस की हेल्प से हम बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला पार्ट है कैपिटल W, जिसको हमने माना है मास ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर फिर आता है हमारे पास स्मॉल W, विच इज मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि ये स्मॉल W कहाँ से आया हमारे पास। फिर आता है T1 इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर।
T2 आता है फाइनल टेम्परेचर, जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर लिया है ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, और हमने कैपिटल एल की फॉर्म में कंसिडर किया है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को, जीसीवी ऑफ फ्यूल इन कैलोरी पर ग्राम। तो अभी जितनी टर्म लिखी है इनमें से सारी टर्म मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होनी चाहिए, केवल स्मॉल डब्ल्यू को छोड़कर। एक्स क्या है, मास ऑफ फ्यूल जो हमने कहाँ लिया था, क्रूसिबल में लिया था। कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ वाटर जो हमने कहाँ लिया था, कैलोरीमीटर में लिया था। स्मॉल डब्ल्यू है मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि जब हीट का ट्रांसफर इस बॉम्ब के थ्रू कैलोरीमीटर में हुआ तो कुछ ऐसी हीट भी है जो हीट इस कैलोरीमीटर में ट्रांसफ़र नहीं हुई, दैट मीन्स इस कैलोरीमीटर के वाटर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई, उसका एब्जॉर्प्शन या तो इस बॉम्ब की सरफेस ने कर लिया या फिर इस कैलोरीमीटर की सरफेस ने कर लिया। तो हम अपनी एक कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को जो कि इस वाटर में ट्रांसफ़र नहीं हुई, यानी अगर बीच में ये सराउंडिंग नहीं होती और ये जो कैलोरीमीटर है इसकी सराउंडिंग नहीं होती तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर या तो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि जितना वाटर हमने अपने इस कैलोरीमीटर के अंदर लिया है उससे ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि जो T1 है उस T1 की वैल्यू जो है मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है और जो T2 है उसकी वैल्यू 25.2 डिग्री सेल्सियस है, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। और अगर यहाँ पे जो पानी है उस पानी का वेट मान लिया 500 ग्राम है तो उस 500 ग्राम पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस आया 0.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ये बाउंड्री नहीं होती और कंप्लीट हीट का ट्रांसफ़र या एब्जॉर्प्शन हुआ होता तो ऐसा पॉसिबल था कि 500 की जगह कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर भी इतना ही इंक्रीज होता। तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को इस हीट के अगेंस्ट ना ले जाकर हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं। इसलिए हम स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में उस मास ऑफ वाटर को कंसिडर करते हैं जिस मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता था और जो किसकी वजह से नहीं हुआ, बॉम्ब और कैलोरीमीटर अपरेटस की बाउंड्री की वजह से नहीं हुआ। तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है बट इसको मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। फिलहाल ये मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है T1 विच इज़ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर और T2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। ये दोनों टेम्परेचर्स हमने अभी ऊपर देखे और L इज़ द GCV और हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन कैलोरी पर ग्राम। मैं आपको पहले भी कैलोरीफिक वैल्यू की वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई प्राइमरी कैलकुलेशन करते हैं या डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू करते हैं तो वो हमेशा कौन सा होता है, GCV यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अब हम अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, पहली लिबरेट होने वाली हीट और दूसरी एब्जॉर्ब होने वाली हीट। तो फर्स्ट वैल्यू हम निकाल रहे हैं हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल है उस अमाउंट को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स ग्राम हमारे पास फ्यूल का है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एल के साथ, तो इट इज़ द लिबरेटेड हीट ऑफ फ्यूल। इसके साथ साथ हमें क्या निकालनी है, एब्जॉर्ब्ड हीट, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड apparatus इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ वाटर, यानी कितना पानी हमारे पास है और उस पानी का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो है T2 - T1, तो टोटल वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लिबरेटेड हीट
इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड हीट। तो अब अगर इस प्रिंसिपल को यूज करके हम वैल्यू रखें, लिबरेटेड हीट कितनी है x इंटू एल और एब्जॉर्ब्ड हीट कितनी है कैपिटल W प्लस स्मॉल W T2 माइनस T1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास आएगा कैपिटल L इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फ्यूल दैट इज x। और ये L क्या है हमारे पास, दिस L इज द GCV यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है जिसकी हेल्प से हम कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये पूरा फॉर्मूला किस पर बेस्ड निकला है, हमारे बॉम कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जितनी हीट लिबरेट हुई है उतनी ही हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन और मैं कह सकते द फर्स्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GCV। इसके अलावा हम कुछ करेक्शंस को भी अपनी इस कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं, तो उन करेक्शंस के लिए यू कैन रेफर अनदर वीडियो, द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई होप ये आज का इतना पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।